जिस विषय के ऊपर अब चर्चा करेंगे वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासतौर से उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स मेंस दे रहे हैं या मेंस देने वाले हैं। मेंस देने के बाद बहुत से स्टूडेंट हर साल हमारे पास आते हैं और स्टूडेंट के दिमाग में, स्टूडेंट के मन में एक ही क्वेश्चन ये आता है कि सर क्वेश्चन का आंसर तो हमने लिखा था लेकिन हमको मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए जो हमने एक्सपेक्ट किए थे, जो हमने उम्मीद की थी, आशा की थी। तो बच्चों एक्चुअली गलती कहाँ से होती है, वो उन गलतियों को, छोटे छोटे मिस्टेक्स को अगर हम दूर करेंगे, अगर हम हटा देंगे तो हम डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो क्या है, पहले कहाँ हमें सबसे प्रॉब्लम हमें कहाँ होती है, कहाँ हमें दिक्कत आती है, उन सब चीज़ों को पहले हम जान लेते देखते हैं। देखिए जो मैंने यहाँ पर तीन ऐसे तरीके लिखे हैं जो हमसे मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूपीएससी में क्वेश्चन आता है जो मेंस में, वो इन तीन तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विषय कोई भी रहने दीजिए, विषय वो हो सकता है कि वो हिस्ट्री से आता हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमी का हो, पॉलिटी का हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या करंट अफेयर्स या इन सभी इशू से मिले जुले या जियो हिस्ट्री, जियो पॉलिटी के क्वेश्चन हो तो थोड़ा सा, या ऑप्शनल के हो, इवन मैं एसए की भी बात करूंगा तो एसए भी इसके आगे पीछे इर्द गिर्द ही क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जैसे जीएस में जो क्वेश्चन का आज पैटर्न है उसमें किस तरह के क्वेश्चन अभी पूछे जाते हैं। तो जीएस में जो क्वेश्चन पूछे जाने का पैटर्न है, जो अभी क्वेश्चन आ रहे हैं आपने देखा होगा, वो क्वेश्चन जो होते हैं वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं और 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीएस के पेपर में। अब 10 मार्क्स का जो पेपर है उसमें जो मैक्सिमम वर्ड लिमिट जो दी जा रही है जिसको फॉलो करना पड़ता है, आप सभी को मालूम है इसमें यूपीएससी में मैक्सिमम वर्ड लिमिट है, यानी उससे आगे, उससे बियॉन्ड आप आंसर नहीं कर सकते। यहाँ पर 150 मार्क्स की वर्ड लिमिट फॉलो करनी पड़ती है और यहाँ पर 250 मार्क्स की वर्ड लिमिट उनको फॉलो करनी पड़ती है। 150 का मतलब ये होता है कि आप लमसम आधा पेज और 25% और जोड़ लीजिए, यानी कि आप करीब इतना आपको लिखना है। दूसरा ये एक और आधा पेज यानी करीब 1.5 डेढ़ पेज के आसपास आपको इसमें आंसर करना है। तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन जो आ रहे हैं बहुत ही शॉर्ट हैं, छोटे हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य मतलब ये है कि जो क्वेश्चन छोटे आते हैं उस क्वेश्चन में हमको बहुत घुमा फिरा करके, इधर उधर घुमाना फिराना या इधर उधर आंसर करने के लिए कोई भी जगह नहीं रह जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो भी आंसर करना है, जो भी हमको क्वेश्चन का आंसर करना है वो टू द पॉइंट होने चाहिए, यानी जो कुछ पूछा जा रहा है हमको उसी के इर्द गिर्द रहना है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है और आप उसका आंसर कुछ और लिख करके आ रहे हैं, भले आपकी नजर में वो हो सकता है कि वही पूछा जा रहा है, तो वो होता कैसे, ये गलतियां होती कैसे है? आपके हिसाब से, आपके अंदेशे के हिसाब से तो आपने आंसर सही लिखा, लेकिन क्या गलतियां हैं, उसका कैसे फ्रेमिंग हो वो हम देख लेते हैं। फ्रेमिंग जो आज का लेक्चर है वो आंसर की फ्रेमिंग के ऊपर है, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में जब आंसर की हम फ्रेमिंग करते हैं तो ये जनरलाइज है कि हर क्वेश्चन के आंसर की फ्रेमिंग के पीछे हम इसी तरह से इर्द गिर्द हम आंसर करें। अब देखते हैं हम आंसर के बारे में। अब जो आंसर है, जैसे पहला जो क्वेश्चन का टाइप पूछा जाता है, टाइप है, तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टाइप कैसे है, आपको कोई भी घटना हो गई या कोई किसी ज्योग्राफी में किसी सब्जेक्ट के ऊपर, कोई विषय के ऊपर या पॉलिटी में किसी आर्टिकल को लेकर के या कोई करंट इवेंट घटना घटती है उसके बारे में आपको उसको डिफाइन करने के बारे में पूछा जा सकता है कि उसको विश्लेषण उसके बारे में लिखो या उसको एक्सप्लेन करने के बारे में या उस कोई भी घटना घटी है, कोई हमारा मूवमेंट हुआ है, आंदोलन है, रिवॉल्यूशन है, उसको हमको उसमें उसके किसी भी इंडिविजुअल किसी व्यक्ति का रोल डिफाइन करना है या किससे रिलेटेड है, उससे कोई फीचर है उसका, उसको डिफाइन करना है किससे रिलेटेड है, इसमें इसका क्या संबंध है। मतलब ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो फर्स्ट कैटेगरी है, ये हम कह सकते हैं सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है क्वेश्चन का। सिंपलेस्ट फॉर्म मैं क्यों कह रहा हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म इसलिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को आपने जो पूछा गया है, जो घटना पूछी गई है या ज्योग्राफी में किसी खास हिमालय के फीचर पूछे गए हैं या हिमालय में किसी
कुछ आप खास ऐसे सिचुएशन के लिए, या हमारा ढक्कन प्लेट के बारे में पूछा जा रहा है, या हमारे किसी विशेष आर्टिकल्स में या कोई खास अमेंडमेंट हुआ है उसके फीचर्स पूछे जा रहे हैं, उसको डिफाइन करना है, तो इसका हमें सीधे सीधे टू द पॉइंट, अगर 10 मार्क्स में पूछा गया है तो मैक्सिमम वर्ड लिमिट 150 दी हुई है और 15 मार्क्स के लिए 250 लिमिट है, ये मैक्सिमम लिमिट है। अगर उसके से कम भी आप कर सकते हैं, उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, टू द पॉइंट, जो चीज पूछी जा रही है उसको सिंपल, उसको आस पास ही हमको आंसर करना है। हम हालांकि इसके आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे, कुछ हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, उसमें हम तीनों ही पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हम उसको देखेंगे। सेकंड फॉर्म जो है वो एनालिसिस का है। अब हमको कोई भी घटना घट रही है, खासतौर से घटनाओं का ही होता है, या कोई सोशल इवेंट है, या कोई इकोनॉमिकल चीज हो रही है, या मान लो कोई टैक्स के बारे में, GST के बारे में कुछ अगर चेंजेस हुए हैं, या कोई और ऐसा पॉलिटिकल इवेंट हुआ है, उसको एनालिसिस करना है, खासतौर से किसी खास चीज को ध्यान में रखते हुए, या उसकी एग्जामिन करना है। ये सेकंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। अब सेकंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, एनालिसिस करो उस घटना को या उसका एग्जामिन करो। अब इसकी आंसर फ्रेमिंग कैसे करी जाए, अब इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले तो जो भी घटना है, तो उस घटना को जिसका हम आंसर लिखने वाले हैं या जिसके बारे में एग्जामिन करना है, हमें एनालिसिस करना है, सबसे पहले हमें एग्जामिनर को बताना होगा कि वो घटना क्या है, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसको डिफाइन करना होगा, उसको बताना होगा कि वो है क्या। लेकिन इसके लिए हमको वर्ड लिमिट जो है, हमें जो शब्द है बहुत कम, यानी एक छोटे पैराग्राफ में बहुत वर्ड कम वर्ड लिमिट में हम इसको डिफाइन करेंगे, हम इसके बारे में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण है, जिसका एग्जामिन करना है, जिस घटना को हमको बताना है, तो उस घटना के बारे में हमको बताना तो होगा वो क्या घटना है। अब बारी आती है इसके एग्जामिन करने की, इसके एनालिसिस करने की। तो इसकी एनालिसिस करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब एनालिसिस का मतलब होता है इसके दोनों ही पक्षों को, दोनों ही आस्पेक्ट को, यानी इसके जो अगर कोई पॉजिटिव आस्पेक्ट है, यानी कि प्रोज है, यानी उसके सकारात्मक पक्ष को हम यहाँ लिखेंगे, हो सकता है फिर पाई पैरा में या जो भी वर्ड लिमिट है, फिर हम उसके निगेटिव आस्पेक्ट, यानी हमें अगर किसी की एनालिसिस करनी है, यानी कि उसके अगेंस्ट हम यहाँ पर, यानी जिस जो भी घटना घटी है, जो भी है उसकी निगेटिव यानी अगेंस्ट उसके भी हम यहाँ पर लिखेंगे, तभी हमें प्रॉपर एनालिसिस कर पाएंगे क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, या क्या पॉजिटिव आस्पेक्ट है, क्या निगेटिव आस्पेक्ट है, क्या उसके साइड में है, या उसके अगेंस्ट क्या चीजें हैं, तो हम उसको लिखेंगे। और फिर अब बात ये आती है पैरा चेंज करके कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन जो भी हम जिस भी पक्ष में चाहें, खासतौर से ध्यान रखेंगे कि कोई भी हम आंसर अगर करते हैं तो किसी भी हम जिसमें शामिल होना जा रहे हैं उस सिस्टम के अगेंस्ट नहीं लिखेंगे, लेकिन हम ये भी ध्यान रखेंगे कि जो भी पॉजिटिव और निगेटिव हम आस्पेक्ट देते हैं उसमें जो भी हम फैक्ट्स यूज करेंगे वो फैक्ट्स वैलिड होने चाहिए, सत्य और तथ्य पे आधारित, यानी फैक्ट्स के बेस पे ही आप आंसर करेंगे, ऐसा नहीं कि ये आपकी राय है, हमको ऐसा लगता है, वैसा नहीं। अगर मान लीजिए किसी खास आर्टिकल की हम बात करें, जैसे अगर हम डिस्कस कर लेते हैं, तो आर्टिकल अगर हम बात करें 368, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर देखोगे तो पिछले 8 से 10 सालों में 4 से 5 बार ये क्वेश्चन कुछ न कुछ चेंज करके 4 to 5 times पूछा गया है। अब ये जो क्वेश्चन है 368, अब 368 क्या है आप सभी जानते हैं, 368 क्या है, ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर कहीं भी कोई फेरबदल या बदलाव कर सकती है। अब कई बार ऐसी सरकारें आई हैं जिन्होंने इसको एक पावर की तरह यूज किया है, एक शक्ति की तरह, मतलब उसको इससे कुछ ज्यादा ही एम्पावर्ड हो गई, आप देखा होगा आपने, खासतौर से इमरजेंसी के समय भी आरोप काफी इंदिरा गांधी जी के ऊपर लगता रहा है, और मतलब ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे संविधान के अंदर, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब क्या हमारा जो संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है, इस पावर का दुरुपयोग भी कर सकती है अगर सरकार को मेजोरिटी में, या हम सही तरीके से बताएं तो अपने फेवर में एक खिलौने की तरह इसका उपयोग किया जा सकता है क्या? तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमको डालना होगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास साथ में सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय भी दिया हुआ है,
जिसका काम है कि किसी भी लॉ को या किसी भी चीज को चेक और इंटरप्रिटेट करने की पावर है। अगर आपको मालूम है तो आपको कुछ उससे रिलेटेड क्या करने होंगे, कुछ केसेस अगर हुए हैं वो देना होगा, फिर उससे रिलेटेड कहाँ कहाँ कौन कौन से हमारे आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं जो सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में सपोर्ट करते हैं, और कहाँ कहाँ ये मसला जो है वो क्लियर दिखाई दिया है। जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने हमारा डिफाइन किया है कि आर्टिकल 368 में कहीं भी परिवर्तन हो सकता है, लेकिन बेसिक फीचर यानी बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। 9th शेड्यूल के बारे में इसमें डाल सकते हैं कि किस तरह से 9th शेड्यूल अगर बेसिक फीचर्स के अगेंस्ट आता है तो उसको इनवैलिड करा के दिया जा सकता है। मतलब हमको उन तथ्यों को, साक्ष्यों को पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही हम देते हैं, तो हमको डालना होगा जिस तथ्य के आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता है। फिर आप एक मिडवे लेकर के या किसी भी फेवर में अगर जाते हैं उस मिडवे लेकर के उसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो उसको एग्जामिन कर रहे हैं। एग्जामिन का मतलब ये है कि आप दोनों ही पक्षों को आपको रखना होगा, और जिस भी पक्ष में जो भी पक्ष अगर सिस्टम के साथ है जैसे भी है, फिर उसको मिड टर्म में लेकर के आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूजन उसका कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके आपको बताऊंगा जिसमें आंसर अगर आपके दिमाग में थोड़ा भी फेरबदल होता है तो आप बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एनालिसिस या एग्जामिन की हम बात। ठीक, अब जो तीसरा पैटर्न जो इसमें पूछा जाता है वो है क्रिटिकल एग्जामिन करना है। अब क्रिटिकल एग्जामिन, अब ऐसे में भी क्वेश्चन आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है उन ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब तीसरे फीचर की बात करें हम क्रिटिकल एग्जाम, सेम हम चीज एक को फॉलो इसमें वैसे ही करेंगे ही, एनालिसिस हो या क्रिटिकल एग्जाम हो, तो हम जिस चीज का क्रिटिकल एग्जामिन करना है या उसकी एनालिसिस करना है, हम उसको सबसे पहले कुछ शब्दों में डिफाइन करेंगे कि वो चीज है क्या। हम जिसकी एनालिसिस करने जा रहे हैं या किसकी क्रिटिकल एग्जामिन करने जा रहे हैं उसके बारे में हम थोड़े शब्दों में पहले बताएंगे कि वो क्या चीज है, और फिर हम उसको, अब यहाँ क्रिटिकल एग्जामिन है तो हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे। ठीक, हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे यहाँ पर कि वो चीज को किस तरह से क्रिटिकली डिफाइन किया गया। फिर मेरी बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसा लगा से बात नहीं बनती है। आप अगर पॉलिटी का देंगे तो सत्य और तथ्यों पर आधारित देंगे, या कोई घटना या रिसर्च में कुछ दिया है किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो आप साक्ष्यों को यानी कि प्रूफ जरूर रखेंगे उसको डालने के लिए, तभी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्रिटिसाइज या क्रिटिकल आस्पेक्ट जो है वो ज्यादा देना है आपको यहाँ। ठीक, अब फिर आप कंक्लूड कर देंगे एक मिड टर्म लेकर के, कंक्लूड हेडिंग में डालना, पैरा चेंज करके मिड टर्म से, या कोई फेवर में जाते हैं ध्यान रखेंगे सिस्टम के अगेंस्ट नहीं, आप किसी भी फेवर में जाते हैं उस फेवर को ध्यान में रखिए, आपको फिर उसे कंक्लूड करना है। अंतर सिर्फ इसमें यह है कि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आस्पेक्ट को देना है, इसमें क्रिटिसाइज जो है वो करना है, क्रिटिकल एग्जामिन करना है। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछा भी गया है जैसे चौरे चौरा कांड हुआ था और चौरे चौरा के बाद भी गांधी जी ने किस तरह से इतना बड़ा आंदोलन वापस ले लिया, तो आप अगर करते भी हैं तो कुछ क्रेडेंशियल ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसे क्रिटिसाइजर्स ऐसा कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन है, और फिर उन साक्ष्यों के आधार पर आप उसे कंक्लूड करेंगे। लेकिन इसमें हिस्ट्री में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, मतलब हिस्ट्री हो, सोशल इश्यूज हो या कोई भी हो, उन सब में ये टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वही पूछे जाते हैं। और आप यकीन मानिए जो भी क्वेश्चन आते हैं चाहे वो जियो हिस्ट्री के हो, जियो पॉलिटी के हो, कैसे भी क्वेश्चन, उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन यही रहते हैं, बट हम उन क्वेश्चन आंसर में हम उसके इर्द गिर्द रह करके, मतलब अगर आपको एनालिसिस पूछा जा रहा है तो आप वहां पर डिफाइन अगर करते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस पूछा जा रहा है तो आप एनालिसिस कर रहे हैं यानी पॉजिटिव ज्यादा दे रहे हैं, और डिफिनीशन अगर लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं क्वेश्चन के इर्द गिर्द रहेंगे, उसी के हिसाब से आंसर करेंगे, तो आप खुद देखेंगे आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। एक और चीज, अब इसी में अगर हम बात करते हैं अगर एसए का पेपर आता है तो एसए का पेपर के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करना है आपको। बहुत से लोग ऐसा होते हैं कि 3 दिन की क्लास एसए की आइए, एसए हम करा देते हैं, उसकी प्रिपरेशन से आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
जैसे अगर एसे लिखना है तो एसे में आपके पास वर्ड लिमिट काफी अच्छी होती है, उसमें आपको 1000 से लेकर के 1200 मैक्सिमम लिमिट जो है वो फॉलो करनी है। अब इस वर्ड लिमिट के अंदर आपको काफी मौका मिल जाता है कि आप कुछ अच्छे चीजों को, कुछ अच्छे शब्दों को उसमें प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि वुमेन एम्पावरमेंट को अगर मान लीजिए आपको लिखना है, महिला सशक्तिकरण के ऊपर ही लिखना है, तो आपको ऐसे में भी फ्रेम कर सकते हैं। ऐसे में आप वैदिक पीरियड आपने पढ़ा ही हुआ है, फिर आपने एंशियंट पीरियड पढ़ा ही हुआ है, फिर आपने मिडिवल मॉडर्न सभी पढ़ा है, आप इसी में भी आपने इस तरह से फ्रेम आउट पॉइंट्स बना लिए। अब उस पॉइंट्स के ऊपर ही आप जो है इसमें उनका फीमेल का सोशल स्टेटस क्या है, उनका पॉलिटिकल स्टेटस क्या था, उनका इकोनॉमिकल स्टेटस क्या था, ऐसे फ्रेम आउट करके आप लिख सकते हो। डेफिनेटली ये जनरल आंसर है, क्वेश्चन इतने आसान नहीं आते, लेकिन हम वो ऐसे के पार्ट भी करेंगे क्योंकि हर एक जो भी पक्ष है, जो भी एक एस्पेक्ट है, उसका एक पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल कई एस्पेक्ट होते हैं, और हमको क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखते हैं तो हमको सभी एस्पेक्ट पे वर्क करने का मौका मिल जाता है और हम बेहतरीन और बहुत अच्छा ऐसे उसमें हम लिख सकते हैं। तो ये है, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम उसमें क्वेश्चंस भी इन्हीं फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करके आपको दिखाएंगे, तो आपके लिए लिखना बहुत आसान होगा और अगर इनके इर्द गिर्द रहेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स देंगे।